महर्षि वाल्मीकि जी जयंती के अवसर पर किताब का विमोचन भी हुआ है आपका। अच्छा, जिस उद्देश्य क्या था किताब का और आज ही का दिन क्यों चूज किया गया? देखो, सभी साथियों को पहले तो मैं वाल्मीकि जयंती की बधाई दूंगा। और अभी तक समाज के अंदर ये भ्रम बना हुआ था कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, लेकिन इतने अरसे से मैं इस पे लगा हुआ था और ये हमेशा विचार मेरे मन में कूदता था कि अगर मान लो वो वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं तो उन्हें मानने वाले हम अछूत क्यों हैं? या तो हम भी ब्राह्मण होते तब तो हम मान लेते कि भाई वो ब्राह्मण थे, हम इसलिए उनको मान रहे हैं। तो ये किताब ये बताती है, और इसमें मैंने बहुत सारे उल्लेख किए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं, और उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो समाज में भ्रांतियाँ चल रही हैं। इसकी प्रस्तावना जो मेरे साथ साथी खड़े हैं जीनवाल जी, अजय जीनवाल जी ने की है, और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा पुट दिया है, और उसको आगे बढ़ाने में, जो उस किताब को विस्तार करने में अजय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि मतलब क्या समाज में ये चीज़ फैलाई जा रही थी कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे? ये फैलाई नहीं जा रही थी, ये एक्चुअल में क्या हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो प्रचेता का पुत्र कहा जाता है वो ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, लेकिन मैंने इस किताब में ये साबित करने की कोशिश करी है कि ये जो इन्होंने फैला रखा है कि प्रचेता का पुत्र है वो बाद में जोड़ा गया है। जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वेद में पुरुषोक्त बाद में जोड़ा गया, महाभारत में गीता बाद में जोड़ी गई, तो इस तरीके से ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई। अच्छा, ये वाकई जो किताब है अवेयरनेस लाएगी ये समाज के अंदर, ऐसी उम्मीद तो है। आज कितनी किताबों को आप यहाँ मतलब स्टॉल लगाया है, क्या ये बांटी भी जाएंगी या कुछ किताबें? ये किताबें मैंने जो मंदिर कमेटी के लोग हैं या जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको हम लोगों ने गिफ्ट की हैं, और सुंदर नगरी में गई हैं ये किताबें, उधर पप्पू कॉलोनी में गई हैं, उधर तिलक नगर में गई हैं किताबें, तो ये किताबें जगह जगह हम लोगों ने वितरित की हैं। लगातार आप वामदेव के साथ मिलकर आप बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे, तो अब जैसे आपने अभी ये जो लिखी है कि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि सूत्र, तो अब क्या ऐसा लगता है कि वाल्मीकि समाज के जो बच्चे एक नई क्रांति की तरफ जा रहे थे पिछले कुछ समय, क्या उनका माइंड चेंज हो पाएगा? मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि जी के लिए ये जो किताब मैंने लिखी है उसमें मैंने जिक्र किया है कि अगर वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं तो हमारे तो दो दो गुरु हो गए। उधर से बाबा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा साहब हमारे साथ हैं, इधर से वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं, दोनों के हाथ में कलम है, किसी के हाथ में झाड़ू नहीं है। तो वो क्या संदेश दे रहे हैं कि आप ज्ञानवान बनो, विद्वान बनो, आचार्य बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जीनवाल है। अच्छा, आपने भी एक बुक पहले भी लिखी है, कौन सी वो बुक थी और जो आज जिसका विमोचन हुआ है इस किताब का, उसमें आपने जो प्रस्तावना लिखी है किस माइंडसेट के साथ लिखी है? मैंने अभी हाल ही के वर्ष में मूल निवासी पहचान पर एक किताब लिखी, और इसके बाद मूल निवासी नारीवाद, बेनाम मूल निवासी, मनुवादी नारीवाद, ये पहचान को लेकर मैं पिछले कई सालों से अनुसंधान में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि भारत के अंदर ये बहुजन समाज जो है ये एक ऐसी पहचानों से गुजर रहा है जिनकी कोई स्थिर पहचान नहीं है, और इस समाज में इतिहास में ये विदित है कि जिन लोगों की कोई स्थिर पहचान नहीं होती है वो लोग, उनका कोई स्थिर विकास भी नहीं हो सकता है। हमारी पहचानें समय समय पर बदली गई हैं, तो आज जो किताब लिखी गई है ये किताब एक समाज को स्थिर पहचान की तरफ ले जा रही है। इतिहासकारों का ये ध्यान आकर्षित करेगी कि इतिहास को जो बिगाड़ा गया है उसमें हमारी जो पहचानें बिगाड़ी गई हैं, आज हम उन पहचानों को स्थिर करने के लिए एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और कैलाश चंद जी ने जो ये कदम उठाया है समाज को एक स्थिर पहचान की तरफ ले आने के लिए, ये बहुत सराहनीय कदम है। जिनवाल जी, एक बात देखने में आई कि बहुजन समाज में अगर हम बात करें तो उसमें लेखक बड़े कम निकले जिन्होंने शोध करके समाज के लिए कोई किताब निकाली। अब जैसे नए नए युवा जैसे आप जैसे लोग लेखक के तौर पर आ रहे हैं और बहुजन इतिहास को लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी में क्या
और भी कई बेहतरीन जो लेखक उन्हें देख पाएंगे? ये युवाओं के अंदर एक नया जोश पैदा करेगा कि वो इतिहास को संवारने का, इतिहास को सही करने के लिए आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में ये देखा कि हमारे महानायकों का और हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वो इस शासक जमात के लोगों ने बिगाड़ा है, तो बाबा साहब ने मैथोलॉजी से सही पात्रों को निकाल कर उसको सही करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि समाज का, भारत का जो इतिहास है वो कुछ नहीं है, केवल और केवल मनुवादियों और जो अनार्य लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, उनके बीच में संघर्ष का इतिहास है। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो इतिहास है, वो दोनों के बीच में संघर्ष है और वर्तमान में जो हम लेखनी करेंगे, वर्तमान में जो हम इतिहास लिखेंगे, वो हमारे भविष्य का निर्माण भी करेगा। कैलाश जी, आखिरी में आपसे एक सवाल और पूछूंगा जी। अब आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं युवा बढ़ चढ़ के अपने बहुजन इतिहास को जानने की कोशिश कर रहा है, इच्छुक है, और साथ में उसको इतिहास अपने समाज के लोगों को बता रहा, जिस समाज को कभी अपना इतिहास लिखने, पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था, आज वो दूसरों को अपना इतिहास बता रहा लिख कर, तो आपको कैसा लग रहा है कि हाँ, अब बहुजन समाज अपना खुद का इतिहास खुद लिखेगा? देखो, बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए चुनौती थी कि हमारे जो इतिहास को विकृत किया गया, क्योंकि ये सवाल मैं हमेशा करता रहा हूँ कि क्या मूल निवासी बहुजन समाज का कोई इतिहास नहीं है? जो भी इतिहास है बनिया ब्राह्मण ठाकुर का ही है। तो ये इतिहास अब जो हमारे लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी के लोग हैं, वो खोज खोज के निकाल रहे हैं और हम मिथ में से निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, ब्राह्मणों ने मिथ लिखे, उस मिथ को और इतिहास को इतना गड़मट कर दिया कि उनको सेग्रीगेट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम किसको इतिहास माने और किसको मिथ माने। तो अब हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, महानायक रहे हैं, वो लोगों के सामने आए और हर एक जाति का, केवल वाल्मीकि जाति के लिए नहीं कह रहा मैं सभी जाति के लिए कह रहा हूँ, मैं कोरी के लिए कह रहा हूँ, मैं जो हमारे तेली हैं, दूसरे जमात के लोग हैं, सबके लिए यही कह रहा हूँ कि जो भी आपके महापुरुष हैं उन महापुरुषों को लोगों के सामने लेके आइए ताकि वो अपने महानायकों पर, महापुरुषों पर गर्व कर सकें और जो इन्होंने जो झूठे महानायक पैदा किए हैं उनका हम जो है पर्दाफाश कर सकें। धन्यवाद।